कैसी रही होगी वो अंधेरी तूफानी रात जब वासुदेव बाबा नवजात कान्हा को मथुरा के कारावास, बेशुमार बारिश और यमुना के तेज बहाव से पार कराकर गोकुल पहुंचे होंगे। तो चलिए फिर बनाते हैं आज जन्माष्टमी स्पेशल आलू की खिचड़ी। आलू की खिचड़ी में क्या चाहिए? आलू चाहिए, और क्या चाहिए? और ये व्रत में भी खाई जाती है, व्रत बोलो उपवास बोलो, फलाहारी फराली है ये, ठीक है। इसमें चाहिए आलू, कुछ हरी मिर्च, जीरा और थोड़ा अदरक, और ये सिंधव नमक है, ठीक है। और ये मूंगफली है जिसे ड्राई रोस्ट किया हुआ है, उसके छिलके उतार के उसे कूट लिया गया है इसी से ही, ठीक है। और हमें चाहिए होगा एक ग्रेटर जो कि मेरे पास है, बहुत ही पौराणिक वाला, ठीक है। चलिए बनाते हैं। या तो आप इसका जो छिलका है आलू का वो आप पील कर सकते हैं, आप निकाल सकते हैं उसको और बाद में बनाएं, या फिर आप इसके साथ भी बना सकते हैं, ठीक है। तो पहले हमें इसे करना होगा कद्दूकस, कद्दूकस यानी कि ग्रेट करना होगा और कुछ नहीं करना है, कद्दूकस, ठीक है। तो इसे कद्दूकस कर लेते हैं हम। तो ये हो गए अपने सारे आलू ग्रेट, ठीक है। और इसको दो तीन पानी से अच्छे से धो लेना है, ठीक है, और उसको थोड़ा पानी से भर के भी रख लेना है क्योंकि आलू जो है वो बहुत ही जल्दी काले हो जाते हैं, तो उसका कलर और टेक्सचर दोनों मेंटेन करने के लिए इन्हें पानी में छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। ये अपनी कढ़ाई ऊपर चढ़ गई और ये गैस को थोड़ा फास्ट कर लेना है। तेल डालना है इसके अंदर, तीन साढ़े तीन चम्मच तेल, चार चम्मच बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से तेल आप जितना खाते हो उतना ही लीजिए, थोड़ा कम खाएंगे तो कुछ कम नहीं हो जाएगा। तेल के गरम होते ही इसमें जाएगा जीरा, ये गया अपना जीरा अंदर, ये जीरा अपना हो गया है अच्छे से। क्या करना है, इसको आलू जो भिगो के रखा था पानी में उसमें से पानी एकदम अच्छे से निकाल लेना है, ठीक है, दबा दबा करके पानी निकाल लेना है और आलू जाएगा इसके अंदर, पानी नहीं डालना इसके अंदर। ये गए सारे आलू अंदर, इसको थोड़ा मिक्स कर लेना है, थोड़ा चला लेना है। अब इसके अंदर ये जो मिर्ची थी ना अपने पास ग्रीन चिलीज, उसे स्लिट कर दिए, ठीक है, तो ये भी जाएंगे अंदर। थोड़ा नमक, नमक थोड़ा कम खाएंगे तो अच्छा ही है ब्लड प्रेशर वाले स्पेशली। अब ये जो जिंजर है ना अपने पास, अदरक, उसे इसमें ग्रेट कर लेना है।
एकदम बढ़िया फ्रेश जिंजर इसके अंदर, आप चाहे तो जूलियन करके भी डाल सकते हो, पर यहाँ हम इसे भी ग्रेट कर लेंगे एकदम छोटा छोटा। इसे फिर से सब मिक्स कर लेंगे एक साथ। ये सब कुछ मिक्स कर लिया है, ठीक है, और अब फ्लेम को एकदम स्लो पे रखना है, और इसके बाद एक डिश में या थाली में ऊपर थोड़ा पानी लेना है उसमें, और वो इस पर ढक देना है। तो आलू अभी ये पक गए हैं, ठीक है, अब इसके अंदर डालना है जो अपने पीनट्स थे जिन्हें रोस्ट करके छिलका उतार के जिन्हें दरदरा पीस लिया था वो डाल देना है। अपने अपने प्रेफरेंस के हिसाब से डालें, मैं थोड़े सादा थोड़े कम डाल रहा हूँ मैं, ठीक है। ये गए पीनट्स, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है ये कि पीनट्स और ये अपना कार्ब्स, आलू है वो कार्ब्स है, ठीक है, और पीनट है वो प्रोटीन है, तो इस तरह से आपका जो है वो न्यूट्रिशन भी आपका बैलेंस हो जाएगा। तो ये सब बड़े लोग थे, मतलब वो जानते थे, ठीक है, तब भी के भी प्रोटीन विटामिन ये वो, तो उस चीज़ों का भी उन्होंने ध्यान रखा है। डन, गैस बंद। तो ये हो गई अपनी आलू की खिचड़ी रेडी। इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए थोड़े से पीनट्स, एक छोटी मिर्ची, ठीक है, और ये दिस गोज़ वेल विथ कर्ड, दही, दही के साथ ही इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगता है। सो प्लीज़ डू ट्राई एंड लेट अस नो, दिस वॉज माई फर्स्ट रेसिपी जन्माष्टमी स्पेशल। तो खाए खिलाए और बताए कि कैसा लगा आपको। चलिए, जय श्री कृष्ण।